गोपालगंज। गोपालगंज बिहार का एक प्रमुख जिला है। यह बिहार की राजधानी पटना से 42 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोपालगंज ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ के थावे मंदिर बिहार ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। गोपालगंज जिले की स्थापना 2 अक्टूबर 1976 हुआ था। यह पहले विशाल मगध साम्राज्य का हिस्सा था। आइए जानते हैं गोपालगंज में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है माँ थावे मंदिर। यह गोपालगंज के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। मान्यता है कि यहाँ हर भक्त की मुराद पूरी होती है। यह जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर दक्षिण में गोपालगंज सीवान राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह मंदिर देश के 52 शक्तिपीठ में से एक है। इस मंदिर में नवरात्रि के समय भक्तों की काफी भीड़ रहती है। इस मंदिर के बारे में यह बताया जाता है कि इस मंदिर को हथुआ राजा ने बनवाया था। यहाँ एक अजीबोगरीब पेड़ है जिसका वानस्पतिक परिवार अभी तक पहचाना नहीं जा सका है। अब अगली जगह है गोपालगंज पार्क। यह बिहार के गोपालगंज जिला का इकलौता सबसे सुंदर और शांत वातावरण वाला पार्क है। यहाँ पर सुबह और शाम सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस पार्क में कसरत करने के लिए उपकरण लगाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति मिलेगी। साथ ही जिराफ, खरगोश और मोर जैसी कुछ प्रभावशाली जानवरों की मूर्तियाँ भी हैं। उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं। पार्क में 4 झूले हैं। इस पार्क में प्रवेश के लिए आपको प्रवेश शुल्क देना होगा। परिवार और बच्चों के लिए अच्छा है। यह गोपालगंज के हजियापुर में स्थित है। अब अगली जगह है हथुआ पुरानी किला। यह एक बहुत सुंदर ऐतिहासिक किला है जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने करवाया था। यह हथुआ में स्थित है जो अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ महल की कई पुरानी संरचनाएं हैं। यह गोपालगंज के शाही परिवार से जुड़ा हुआ है। पहले यह एक टूटी फूटी जगह से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अब यह हथुआ राज की विरासत के रूप में चमक रहा है। जीर्णोद्धार के बाद यह बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगली जगह है माई लक्षवार मंदिर। यह देवी दुर्गा का धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर काले जादू, भूत प्रेत आदि से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भूतों के सुप्रीम कोर्ट के नाम से मशहूर है। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति को भूत प्रेत पकड़ा रहता है वो यहाँ आते हैं तो माता रानी उन्हें अपनी शक्ति से ठीक कर देती है। यह मंदिर गोपालगंज मीरगंज रोड पर इटवा पुल के पास स्थित है। पूर्णिमा के दिन इस स्थान पर बहुत भीड़ होती है। अब अगली जगह है माँ नक्टो भवानी मंदिर। यह मंदिर गोपालगंज के बरौली से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व देवीगंज गांव में स्थित है। इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से मुराद मांगते हैं, उनकी मनोकामना माँ पूरा करती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग पूजा और दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ नवरात्रि और रामनवमी के समय भक्तों की काफी भीड़ रहती है। यहाँ हर साल नवरात्रि के दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता है। अब अगली जगह है बेलनवा हनुमान मंदिर। यह खूबसूरत हनुमान जी को समर्पित 8 मंजिला मंदिर है जो गोपालगंज के बेलनवा कुचायकोट में स्थित है। यह मंदिर में प्रत्येक शनिवार व मंगलवार भक्तों की भीड़ होती है। इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हिंदू त्योहारों के समय यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की काफी भीड़ होती है। इस मंदिर के चारों ओर पेड़ों पौधों से भरा हुआ है। अब अगली जगह है माधव मठ। यहाँ भगवान हनुमान जी की 54 फीट की प्रतिमा है। यह गोपालगंज मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर में रोज पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है और एक बड़ा सा त्रिशूल भी है। यह मंदिर 2014 में बनकर तैयार हुआ था। यही मंदिर के बगल में एक राम जानकी मंदिर भी है। अब अगली जगह है संत दरिया साहेब आश्रम।
यह आश्रम गोपालगंज के बरौली प्रखंड से 10 किलोमीटर दूर दगनसी में स्थित है। यह आश्रम सफेद संगमरमर पत्थर से बनी हुई है, जिस वजह से इसकी सुंदरता और नक्काशी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर समय समय पर साधु संतों का सम्मेलन होते रहते हैं। इस आश्रम के संस्थापक स्वामी सत्यदेव दास जी है। अब अगली जगह है विजयनाथ धाम। यह भगवान शिव को समर्पित एक सुंदर मंदिर है। यह मंदिर कुचायकोट पंचायत के विजयपुर गांव में स्थित है। यहां पर सावन और शिवरात्रि के समय मेला लगता है। इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से मुराद लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब अगली जगह है माँ पीताम्बरा पीठ मंदिर। यह गोपालगंज का प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक मंदिर है। यह जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर कुचायकोट प्रखंड में स्थित है। इस मंदिर के संस्थापक स्वामी श्री शिवानंद परमहंस हैं। यह बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक मंदिर है। इस मंदिर में शुक्रवार और सोमवार को ज्यादा भीड़ रहती है। अब अगली जगह है सिंहासनी धाम। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ हर साल सावन महीना में भक्तों की काफी भीड़ होती है। यह मंदिर गोपालगंज के जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मीरा ढोला गांव में स्थित है। इस मंदिर में देव दीपावली के अवसर पर अधिक मात्रा में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। यहाँ हर साल सावन मास में 2 महीने का मेला आयोजित किया जाता है। अब अगली जगह है जिन बाबा इटावा पुल। यह मंदिर जिले के उचका गांव प्रखंड के मीरगंज मुख्य पथ पर बाण गंगा नदी किनारे स्थित है। मान्यता है कि इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर संत इटवा बाबा ने जिंदा समाधि ली थी, जिस कारण यह स्थान काफी प्रसिद्ध है। यहां माता सीता और भगवान राम की मंदिर भी है। इटवा धाम एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। हर साल नवरात्रि, शरद पूर्णिमा और अन्य धार्मिक अवसरों पर मेले का आयोजन होता है। अब अगली जगह है गौतम कुंड। गौतम कुंड गोपालगंज में स्थित एक पवित्र तालाब है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर गौतम ऋषि ने ध्यान और तपस्या की थी। इस जगह का वातावरण शांत है। यह स्थान साफ सुथरा है। लोग पवित्र गौतम कुंड में स्नान करते हैं और यहां स्थित मंदिर में पूजा करते हैं। यहीं पर पास में सिद्धपीठ महर्षि गौतम आश्रम भी है। अब अगली जगह है गणेश स्थान मांझा। इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना रानी विक्टोरिया ने करवाया था। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ पर प्रतिदिन श्री गणेश की पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए भक्तों आते रहते हैं। यह मंदिर गोपालगंज से 26 किलोमीटर दूर फुलवरिया में स्थित है। अब अगली जगह है भत्सी वन। यह गोपालगंज जिले में स्थित एक जंगल है। यह महाभारत की जंग में शामिल महाराजा भूरिश्रवा की तपोभूमि है। यह जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसी स्थान पर राजा भूरिश्रवा तपस्या करते थे। अब अगली जगह है दिघवा दुबौली का पिरामिड। यह पिरामिड गोपालगंज से 40 किलोमीटर दूर छपरा मसरख रूट पर दिघावा दुबौली गांव में स्थित है। यहां पर पिरामिड आकार के 2 टीले देखने को मिलता है। इस पिरामिड के बारे में बताया जाता है कि इस टीला का निर्माण स्थानीय शेरो राजा द्वारा बनाई गई थी।